लता मंगेशकर के गाने एक प्यार का नगमा है कोका का रातों रात सुर्खियों में आई रानू मंडल को लेकर सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है। इस खबर में ऐसा बताया जा रहा है कि दिग्गज बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने रानू मंडल को 55 लाख का घर गिफ्ट किया है। इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक ये चर्चा जरूर है। ऐसी खबर आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखी व सुनी होगी। हालांकि इस खबर का सच क्या है अब ये सामने आ गया है। रानू मंडल को घर गिफ्ट करने की खबर फर्जी निकली है। टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अपनी सुरीली आवाज से चर्चे में आई रानू मंडल को घर गिफ्ट किए जाने की खबर को एक्टर सलमान खान के करीबी सूत्रों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सलमान खान ने रानू मंडल को कोई घर गिफ्ट नहीं किया, ना ही कोई कार गिफ्ट की है। यही नहीं, रानाघाट के अमरा 22 स्वाइटन क्लब के एक सदस्य विक्की विश्वास ने भी समाचार एजेंसी IANS के साथ एक इंटरव्यू में इन खबरों को खारिज किया है। सलमान खान ने रानू मंडल को ना ही कोई कार गिफ्ट किया है, ना कोई घर। रानाघाट के अमरा 22 स्वाइटन क्लब के इस सदस्य विक्की विश्वास ने रानू मंडल को गिफ्ट दिए जाने की खबर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे क्लब के दो सदस्यों ने रानाघाट स्टेशन पर रानू मंडल के गाने का वीडियो शूट किया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तब से हम रानू दी की देखभाल कर रहे हैं। हमने सलमान खान के फ्लैट गिफ्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं सुना। रानू मंडल को 55 लाख रुपए का घर एक्टर सलमान खान की ओर से गिफ्ट किए जाने की खबर को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो या फिर कोई सुझाव है हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।